हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें 1, 2, 3, 4 चैप्टर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज फिफ्थ डिस्कस करूँगा, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो आओ देखते हैं क्या क्या है इसमें। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? तो नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर ए लॉन्ग टाइम, ओके, सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीसीज टू एडजस्ट देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड द सॉयल कंडीशन एज फुली एज अ पॉसिबल। ओके, लॉन्ग पीरियड से वो अनडिस्टर्ब हो और वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें उसके क्लाइमेट एंड सॉयल के अनुसार। ओके, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ए ग्रेट वराइटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। हिमालयन हाइट आर द मार्क्ड विद द टेम्परेट वेजिटेशन एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान निकोबार्स हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, उसे ईवर ग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, और अंडमान निकोबार एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेल्टाइक रीजन्स हैव द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके, एंड फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स भी रखते हैं डेल्टाइक रीजन। डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान नोन एज द कैक्टी। ये वाइड वराइटी ऑफ द बुशेस एंड थोनी वेजिटेशन यहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में, डिजर्ट एरिया में। ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट एंड द सॉयल, ओके, एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन से दूसरे रीजन में वेजिटेशन चेंज होता है। भारत का ऐसा क्लाइमेट है, पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट पाया जाता है लगभग भारत में सभी क्लाइमेट पाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी ईवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, पहला। दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, चौथा माउंटेन फॉरेस्ट, पांचवा लिटोरल एंड द स्वाम्प फॉरेस्ट। ठीक है, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहला है ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी ईवर ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो दीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब मैप में समझें इसको, ठीक है। इंडिया मैप कहाँ गया भाई? सॉरी, एक मिनट, चलो ठीक है। मैं आपको, मैं सीधा हाँ, तो क्या था? हाँ, वेस्टर्न, दीज फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ओके, तो मैप में बनाते हैं, कहाँ गया? चलो हम थोड़ा बहुत इंडिया का मैप बना ही लेते हैं। भाई बहुत सही नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि इतना अच्छा बने कि कम से कम समझा तो सकूं। ये बन गया। अब इसमें क्या बताना है? वेस्टर्न स्लोप, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न घाट है, ये देखो, इसके वेस्टर्न स्लोप में इस तरफ जो है एवर ग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, एक जगह हो गया। दूसरा अब देखते हैं। हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिल में पाया जाता है यहाँ पे। ये देखो, ये मेघालय प्लेट्यू है, यहाँ पे पाया जाता है। ये देखो, इस रीजन में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन,
एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पाया जाता है, ठीक है, अंडमान निकोबार आइसलैंड, तो ये है अपना अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ से ऐसे तो यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाउंड इन द वार्म ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है, एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, ठीक है, एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं विद द लेयर्स ऑफ द क्लोजर टू द ग्राउंड आर द कवर्ड विद द श्रब्स, नीचे के ग्राउंड जो है श्रब क्रीपर से विद द शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री, ओके, फॉलोड बाय द टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज, ट्रीज रीचेज द ग्रेट हाइट अप टू द 60 मीटर आर द एबव, ओके, दीज देर इज अ नो डिफिनिट फॉर द सॉरी द डिफिनिट फॉर टाइम फॉर द ट्रीज टू सेट देयर लीव्स, यहाँ पे कोई डिफिनेट टाइम नहीं है कि अपना जो है वो पत्ते झड़ जाए उसके, ठीक है, इसलिए ये ईवरग्रीन रहता है हमेशा, फ्लोरिंग एंड द फ्रूटिंग वो आते रहते हैं और वो पत्ते गिरते रहते हैं, एंड दीज फॉरेस्ट अपीयर टू ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, ओके, पूरे साल जो है हरा भरा पर रहता है, इसीलिए इसको जो है ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन बोलते हैं, यानी कि हमेशा ग्रीन, ओके, स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड द रोज वुड, यहाँ पे रोज वुड पाया जाता है, महोगनी पाया जाता है, एनी पाया जाता है, एवोनी पाया जाता है, ये ध्यान रखना पूछ लेगा एग्जाम में। सेमी ईवर ग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, उससे कम थोड़ा बारिश होता है वहां पे, लेस रेनी पार्ट ऑफ दिस रीजन, उसी रीजन में कम थोड़ा बारिश होता है, उस क्षेत्र को सेमी ईवर ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, सेमी ईवर ग्रीन फॉरेस्ट, मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड द मॉइस्ट डिसूडुअस फॉरेस्ट, समझिए आगे पढ़ेंगे इसको, एंड प्रोवाइड द एवरग्रीन, पेन चेंज कर लेते हैं यार दिखेगा नहीं आपको, प्रोवाइड ये एवरग्रीन कैरेक्टर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट मेन स्पीसीज वाइट सीडर हेलोक एंड द केल, ओके, तो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट, आप देख लो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, जमीन नहीं दिखता इसमें, नेचुरल वेजिटेशन, और देखते हैं लिटोरल एंड स्वाम्प कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली मैंग्रोव एरियम पाया जाता है, ये देखो, ओके, एंड माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है भाई, तो माउंटेन एरियम पाया जाता है, यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाएगा इस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, एंड ट्रॉपिकल थॉर्न कहाँ पाया जाएगा, ट्रॉपिकल थॉर्न जो है यहाँ पाया जाएगा राजस्थान गुजरात क्षेत्र में, ओके, साउथ में भी कुछ पाया जाएगा, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बहुत सारे क्षेत्र में, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, ठीक है, तेलंगाना कुछ कुछ रीजन है, तो बहुत सारे क्षेत्र में पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ जाता है, देखो ट्रॉपिकल ईवरग्रीन वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, थोड़ा ईस्टर्न कोस्ट में भी पाया जाता है, एंड यहाँ पाया जाता है सुंदरबन के पास मतलब वेस्ट बंगाल में, एंड असम पूरे क्षेत्र में, मेघालय मणिपुर सॉरी नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा इन सब में क्या पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ट्रॉपिकल ईवरग्रीन और द सेमी ईवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, अंडमान निकोबार में भी ट्रॉपिकल ईवरग्रीन पाइन सेमी ईवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है, तो आगे यहाँ पे भी लक्षद्वीप में भी ट्रॉपिकल ये देखो दिया गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश, अभी ब्रिटिश के बारे में थोड़ा कि वो किसे संशोधन इसका दोहन किए हैं, ब्रिटिश अवेयर थे ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस द फॉरेस्ट स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया एक्सप्लॉयटेशन करना, ओक फॉरेस्ट इन द गढ़वाल एंड द कुमायूं क्षेत्र में था, वर रिप्लेस्ड बाय द, इन्होंने पाइन चीर से रिप्लेस किया, वाज नीडेड टू ये ले रेलवे लाइन के लिए इसको यूज किया, किसको, ओक को एंड और इसको चीर पाइन को भी, एंड फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर फॉर द इंट्रोड्यूसिंग, जंगल को काटा गया किसके लिए, टी के लिए, रबड़ के लिए, कॉफी के लिए, ओके, ब्रिटिश जो है आल्सो यूज टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज, इट कट इट एक्ट्स एज एन द इंसुलेटर ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ द फॉरेस्ट वॉज दस द रिप्लेस्ड बाय द कमर्शियल यूज, उन्होंने कमर्शियल यूज के लिए
जंगल को रिप्लेस किया। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया है, इन इंडिया आल्सो कॉल्ड, इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, याद रखना, एंड स्प्रेड ओवर द रीजन्स, ये काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है, विच रिसीव द रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, ओके। दीज फॉरेस्ट आर द फर्दर डिवाइडेड इंटू द मॉइस्ट एंड द ड्राई डेसिडुअस। फिर ये मॉइस्ट एंड ड्राई में डिवाइड है। अब हम चलते हैं मॉइस्ट को देखते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन्स विच रिकॉर्ड्स द रेन 100 to 200 सेंटीमीटर, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी पाए जाते हैं, अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालय में पाया जाता है, यूपी बिहार, ओके, उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप यानी पुणे वगैरह में भी पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ के मेन ट्रीज जो हैं टीक हैं, साल हैं, शीशम है, हुर्रा है, महुआ है, आंवला है, शीशम है, कुसुम है, एंड द सैंडलवुड है, ठीक है। द मेन स्पीसीज ऑफ दिस द फॉरेस्ट, ये सभी स्पीसीज हैं इस फॉरेस्ट के मेन। अब चलते हैं ड्राई डूस फॉरेस्ट को देखते हैं। वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री है ये, एंड बिटवीन इसका रेनफॉल जो है 70 to 100 सेंटीमीटर है, वेटर मार्जिन्स, ओके, एंड इट हैज़ ये ट्रांजिशन मॉइस्ट डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस का ट्रांजिशन है, ड्रायर मार्जिन इन द थॉर्न फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर, पेनिनसुलर में जो थोड़ा बहुत बारिश होता है वहाँ वहाँ भी होता है। आगे देखते हैं, ये प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार में भी पाया जाता है, हायर रेनफॉल रीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, एंड पार्कलैंड लैंडस्केप विद द ओपन स्ट्रेच इन इन विच टीक अदर ट्रीज इंटर स्प्रेडेड विद द पैसेज ऑफ द ग्रासेस आर कॉमन, ड्राई सीजन्स बिगिन, ट्रीज सेट देयर लीव्स कंप्लीटली, ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं, एंड द फॉरेस्ट अपेयर लाइक द वास्ट ग्रास लैंड की तरह दिखते हैं, नेक्ड ट्रीज अराउंड एंड तेंदू, यहाँ का देखो तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलो वुड, ईटीसी यहाँ पाए जाते हैं, और जो है इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। वेजिटेशन कवर ये वेरी स्कैंटी ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा यहाँ पे चराई के कारण। अब चलते ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की तरफ, तो बेसिकली ये रिसीव जहाँ लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, एंड दीज कंसिस्ट द वैरायटी ऑफ द ग्रास लैंड सर्व्स इंक्लूडिंग द सेमी एरिड एरिया ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सब पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट प्लांट रिमेन्स लीफ फ्लीज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड गिव एन द एक्सप्रेशन ऑफ द श्रब्स वेजिटेशन। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड आर द बबूल, बेर, विल्ड डेट पाल्म, खैर, नीम, खेजरी, पलास, ओके, ये कोई है टस टशोकी ग्रास, ग्रोज अप टू द हाइट ऑफ द 2 मीटर अंडर दिस ग्रोथ, ओके। यहाँ सब ये सब पाए थे, देखो ये है थोन, ट्रॉपिकल थोन फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं माउंटेन फॉरेस्ट को देखते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट। अब माउंटेनियस फॉरेस्ट में भी बहुत वैरायटी रहेगा, जैसे पूरे इंडिया में वैसे माउंटेन क्षेत्र में भी पाया जाएगा उसके हाइट के हिसाब से, ठीक है। अगर 2000 मीटर है तो अलग, 4000 मीटर है तो अलग, 6000 मीटर है छः अलग, 8000 मीटर है तो अलग, ठीक है। अब इसमें इसमें अलग अलग, अब उसी को हम पढ़ेंगे। माउंटेनियन ट्रीज आर द डिक्रीजेज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। हम सभी जानते हैं कि ट्रोपोस्फीयर में जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं जो है टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। लीड्स टू ये करेस्पॉन्डिंग चेंजेस, नेचुरल वेजिटेशन माउंटेन फॉरेस्ट क्लासिफाइड इन टू द टू टाइप्स, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। भाई एक पढ़ेंगे जो हिमालय के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे नीलगिरी वगैरह के बारे में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हिमालयन रेंज के बारे में, हम पहले पढ़ते हैं। तो हिमालयन रेंज शो ये सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल टू टुंड्रा फॉरेस्ट पाया जाता है। भाई इतनी वैरायटी है यहाँ पे, गजब।
आगे देखते हैं, व्हिच चेंज इज विद द लेटिट्यूड। यस, ऊंचाई के हिसाब से चेंज होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है फुट हिल्स ऑफ द हिमालय में, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। सक्सीडेड बाई द वेट टेम्परेट टाइप्स फॉरेस्ट बिटवीन द 1000 एंड 2000, पर कौन सा पाया जाता है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, हायर हिल्स रेंज ऑफ द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। हिली एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल ऑल्सो पाया जाता है यहाँ भी, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, द हायर हिल्स रेंज ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया एंड हिल्स एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल, ओके, उत्तरांचल, एवर ग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज द ओक एंड चेस्टनट आर द प्रीडोमिनेंट। यहाँ 1000 से 2 प्रीडोमिनेंट 1000 से 2000 में ये पाए जाते हैं ओक एंड चेस्टनट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, 1500 से 1750 मीटर में क्या क्या होता है। पाइन फॉरेस्ट आर आल्सो वेल डेवलप्ड इन दस जोन, यहाँ पे पाया था चिर पाइन एज ए वेरी यूजफुल कॉमर्शियल ट्री। वही भाई, इसका यूज करते थे रेलवे लाइन बनाने के लिए, पटरी बिछाने के लिए। ओके, एंड विद द चिर पाइन आर ए वेरी कॉमर्शियल। देवदार वृक्ष भी पाया था, ये हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज है, ग्रोन मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। तो ये ध्यान रखना, एंडेमिक है वेस्टर्न हिमालय का। कौन? देवदार। देवदार इज अ ड्यूरेबल वुड मेनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटी। सिमिलरली द चिनार एंड द वॉलनट व्हिच द सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट। कश्मीर में बहुत सारी लकड़ियों का हैंडीक्राफ्ट बनता है, मतलब अलग अलग चीजें बनाते हैं वो लोग, फल रखने के लिए वोट एंड अदर यूज करते हैं डेली बेसिस पे। एंड बिलोंग टू द जोन एंड ब्लू पाइन जो है एंड स्प्रस अपेयर्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2225 to 3448 जो है ऊंचाई पर। एट मेनी प्लेसेस दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है यहाँ पे भाई, बट इन द हायर रिचेस देयर इज द ट्रांजिशंस ऑफ अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है ऊपरी वाले हिस्से में। एंड पॉस्चर सिल्वर फर जूनिपर्स पाइन बर्च एंड द रोडन ड्रोन्स ईटीसी अकर्स बिटवीन द 3000 to 4000 मीटर पर पाए जाते हैं ये सब। सिल्वर फर जूनिपर पाइन्स बर्च रोडन ड्रोन ईटीसी अकर बिटवीन द 3000 to 4000 मीटर। हाउएवर दीज द पॉस्चर आर द यूज एक्सटर्नली बाय द ट्रांस ह्यूमंस, यहाँ होते हैं भाई वो चलते रहते हैं, बाय द ट्राइब्स पीपल, यहाँ कौन पाया था, गुर्जर गुज्जर बकरवाल भोटियाज एंड गद्दीज। ठीक है, सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय कैरी ये थिकर वेजिटेशन कवर बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन देन द ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। एट द हायर एल्टीट्यूड मॉसेस पाए जाते हैं भाई, जहाँ बर्फ जमा रहते हैं, लीचेंस पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, मॉसेस एंड लीचेंस फॉर्म एज पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। तो हम लोग कहाँ से पढ़े, टुंड्रा सॉरी ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, सभी माउंटेन जो है अपने हिमालय में पाए जाते हैं, देख लो उतना इतनी वैरायटीज है, मतलब माउंटेन क्या वेजिटेशन पाया जाता है। अब चलते हैं सीधा साउथ की तरफ, नीलगिरी में क्या क्या पाया जाता है। द सदर्न माउंटेन्स फॉरेस्ट इंक्लूड द 3 डिस्टिंक्ट एरिया पेनिनसुलर इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स, विंध्याज एंड नीलगिरीज। एज दे क्लोजर टू ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिक से क्लोजर है, ओनली 1500 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ के वेजिटेशन जो है टेम्परेट होता है इन द हायर रीजन्स। ओके, एंड द सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्पेशली इन द केरला, ओके, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में पाया जाता है टेम्परेट। टेम्परेट फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, सोलास कहते हैं साउथ में, ऊटी वगैरह वही है। एंड नीलगिरी अन्नामलाई पलानी हिल्स हैं तीनों हैं, एंड सम अदर द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट है, किसका, मैग्नोलिया लॉरेल एंड द सिनकोना, ओके, एंड वाटल। सच फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा एंड माइकाल रेंज। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, ब्लू कर लूँ क्या, चलो ब्लू पर। इंड लिटोरल एंड द स्वाम्प फॉरेस्ट का होता है, इंडिया हैज द रिच वराइटी ऑफ द वेटलैंड हैवी टार्ट्स, 70% ऑफ द कंप्राइजेज एरिया इज द पैडी कल्टिवेशन। ओके, ये लिटोरल एंड स्वाम्प में पैडी कल्टिवेशन होता है। टोटल एरिया ऑफ द वेट लैंड्स
लगभग 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। टू साइड चिलिका लेक पाया जाता है वहाँ, केवला देव पाया जाता है। ये सब मैंग्रोव की बात कर रहे हैं। केवला देव कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। आर द प्रोटेक्टेड एज ए वाटरफॉल हैबिटाट, ये रामसर कन्वेंशन ऑफ द रामसर साइट में आते हैं भाई। ठीक है। वैसे चिलका हटा दिया गया है, इस समय दो हैं, मॉन्ट्रैक्स, रामसर मॉन्ट्रैक्स में दो हैं। कौन कौन? एक है लोकटक लेक, लोकटक लेक, और दूसरा है केवला देव राजस्थान। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में, और केवला देव कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन इज एन द एग्रीमेंट अमंग द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यस। कंट्रीज वेटलैंड्स आर, वेटलैंड्स हैव बीन द ग्रुप्ड इनटू द एट कैटेगरीज। वेटलैंड को एट कैटेगरीज में बांटा गया, मतलब कौन कौन क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया जाएगा। एक तो पहला है रिजर्वायर ऑफ द डक्कन प्लेटू इन द साउथ टूगेदर विद द लैगून्स एंड अदर द वेटलैंड ऑफ द सदर्न वेस्टलैंड। दूसरा है द वास्ट सेलाइन एक्सपेंसेस ऑफ द राजस्थान एंड गुजरात एंड द गल्फ कच्छ, ये सब पाया। तीसरे में फ्रेश वाटर लेक्स रिजर्वायर फ्रॉम द गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू द राजस्थान में पाया था, केवला देव मध्य प्रदेश। चौथा है द डेल्टा वेटलैंड्स एंड द लैगून ऑफ इंडियाज ईस्ट मोस्ट चिल्का लेक। पांचवा है द फ्रेश वाटर मार्सेस ऑफ द गंगेटिक प्लेन। छठा है द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र द मॉरिशस एंड द स्वाम्प्स इन द हिल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड द हिमालयन फोटेल्स। एंड सेवन है द लेक्स एंड द रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड द लद्दाख। एंड आठवां है द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द आइसलैंड एकर्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। मैंग्रोव्स ग्रो अलोंग विद द कोस्ट इन द साल्ट मार्शेस एंड द टाइडल क्रीक्स मड फ्लैक्स एंड द एस्चुरीज। ओके, आगे देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स क्रिस क्रॉस्ड बाई द क्रीक्स ऑफ द स्टैगनेंट वाटर एंड द टाइडल फ्लोज। दीज फॉरेस्ट गिव द शेल्टर टू वाइड वराइटीज ऑफ बर्ड्स। ओके, आगे देखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये था, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आप देख लो ये। ठीक है, ये सुंदरबन का है। इन इंडिया द मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर द लगभग 6,740 स्क्वायर किलोमीटर एंड 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में पाया जाता है। दे आर द, पूछ लेगा भाई 15% पाया जाता है तो उसको कर देना गलत। दे आर द हाईली डेवलप इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड सुंदरवन ऑफ वेस्टलैंड। अदर एरियाज ऑफ द सिग्निफिकेंट आर महानदी द गोदावरी एंड द कृष्णा डेल्टा। ओके, यहाँ सब पाए थे। दीज फॉरेस्ट टू आर बींग द इनक्रोस्ड, ये इनक्रोच कर लें, हेंस द नीड ऑफ द कंजर्वेशन की जरूरत। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे चलते हैं। फॉरेस्ट द इंट्रीकेट इंटर रिलेशनशिप लाइफ एंड द इन्वायरमेंट। ओके, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस टू अवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइटल इंपॉर्टेंस, क्योंकि सर्वाइवल एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन काइंड के लिए। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी लाई, एडॉप्ट इन 1992 में, उसके बाद फर्दर मॉडिफाई की 1988 में। अकॉर्डिंग द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट विल एम्फेसाइज द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व एक्सपेंड फॉरेस्ट रिजर्व ऑन वन हैंड एंड टू मीट द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल ऑन द अदर्स। द फॉरेस्ट पॉलिसी का एम ये है कि 33% जो है परसेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। एम कितना और इस समय है कितना? 24.59% है। ठीक है, अब हमें बढ़ाना है अभी 5 और 3 8, लगभग 7.5% बढ़ाना है। ठीक है, एम कितना है? 33%, तो ध्यान रखना। दूसरा क्या है? मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर द फॉरेस्ट वेयर द इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब।
ओके, जहाँ डिस्टर्ब है उसको प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी, रिस्टोर द फॉरेस्ट वेयर द इकोलॉजिकल बैलेंस आर इन डिस्टर्ब। ओके आगे बढ़ते हैं, कंजर्विंग द नेचुरल, तीसरा है कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द जीनेटिक पूल। ओके एंड चौथा है चेक्स सॉयल इरोजन एंड एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड्स, रिडक्शन ऑफ द फ्लड्स एंड द ड्रॉट्स। फोर्थ है इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री। ओके एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, ये सब एम है। एंड सिक्स क्या है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट टू मेक द टिम्बर फ्यूल फोडर एंड द फूड अवेलेबल टू द रूरल पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेस्ट, एंड इनकरेज टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड। सातवां क्या है, सातवां क्या है, क्रिएटिंग ऑफ ए मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग द वुमेन टू इनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड दस रिड्यूस द पॉस्चर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ओके सॉरी, रिड्यूस द प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ओके तो ये सब लक्ष्य हैं। फॉरेस्ट एंड लाइफ टू ए वास्ट नंबर ऑफ द ट्राइबल पीपल, द फॉरेस्ट इज ए होम, ये लिव लाइवलीहुड, देयर द वेरी एग्जिस्टिंग। तो ये ट्राइब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, उससे वो जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। एंड फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एफोरेस्टेशन ऑन द वेरिन लैंड्स विद ये पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन द इन्वायरमेंटल सोशल, मतलब लोगों को भी फायदा हो, रूरल डेवलपमेंट। ओके जैसे रेलवे लाइन के बगल बगल लगा दो तो ये सोशल फॉरेस्ट्री है, रोड के अगल बगल लगा दो सोशल फॉरेस्ट्री है, क्योंकि ये क्षेत्र वेरन लैंड है, ठीक है, ये गड्ढे वगैरह होते तो यहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते। इसलिए नेशनल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड द सोशल फॉरेस्ट्री इनटू द थ्री थ्री कैटेगरीज। ओके दीज आर द अर्बन फॉरेस्ट्री एंड द रूरल फॉरेस्ट्री, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड द फॉर्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है, पर्टेनिंग द राइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज ऑन द पब्लिक एंड द प्राइवेट ऑन लैंड इज लैंड इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स एंड एज ए ग्रीन बेल्ट, पार्क्स, पार्क्स में लगा दो, रोड साइड लगा दो, एवेन्यूज पे लगा दो, इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट पे लगा दो, ETC। ओके आगे बढ़ते हैं, रूरल फॉरेस्ट्री क्या है, रूरल फॉरेस्ट्री में लेस द इम्फेसिस ऑन द प्रमोशन ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री एंड द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ओके एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स इज द राइजिंग ऑफ द ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैसेस, जैसे चारों तरफ लगा दो पेड़, लगा दो इधर 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 ऐसे 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 और बीच में खेती करो, इसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। आगे चलते हैं फॉर्म फॉरेस्ट्री। फॉर्म फॉरेस्ट्री मतलब आप तो आपके पास एक पेड़ प्लांट है, मतलब एक सॉरी एक जमीन है, उस पे पेड़ लगा दो कमर्शियल पर्पज से, फॉरेस्ट्री। द टर्म्स अप्लाइड टू ये प्रोसेस अंडर विच द फॉर्मर ग्रोज ट्री फॉर द कमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल पर्पजेस। ओके वो नॉन कॉमर्शियल पर्पज से भी हो सकता है, आप आम लगा दो तो खाओ अपने लिए। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा जाएगा, ये तो रहा प्लांट के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज ए ग्रेट नेचुरल हेरिटेज। ओके इंडिया इज एस्टिमेट 4 to 5% ऑफ ऑल द नोन प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज ऑन द अर्थ फाउंड इन इंडिया, 4 से 5% जो है जितना दुनिया में पाया उसका 4 से 5% भारत में पाया जाता है, ठीक है। मेन रीजन फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम विच दिस कंट्री हैज द प्रिजर्व एंड द सपोर्टेड थ्रू द एज। ओके सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स ऑफ द डिक्लाइनिंग द वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलोज। तो क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, ब्रॉट अबाउट ये रैपिड इंक्रीज इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके
एंड दूसरा क्या है, मोर एंड द मोर लैंड आर द क्लियर फॉर द एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, रोड के लिए, माइनिंग के लिए, रिजर्वायर के लिए, ईटीसी। ओके, एंड थर्ड क्या है, प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू द लैपिंग सॉरी लोपिंग फॉर द फॉडर एंड द फ्यूल वुड टू रिमूविंग द स्मॉल टिम्बर बाई द लोकल पीपल। ओके, एंड फोर्थ क्या है, ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक कैटल काज ऑन द एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। चौथा क्या है, हंटिंग वाज टेकन ऑन ये स्पोर्ट बाय द इलीट्स, बड़े बड़े लोग जो है हंटिंग को अपना खेल समझते हैं। हंड्रेड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स वर द किल्ड इन सिंगल हंट। ओके, नाउ द कॉमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट, बंद है। और क्या है आगे, इंसिडेंस ऑफ द फॉरेस्ट फायर। और आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया, मेनी स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र एंड द जंगल बुक में है। 1972 में जो है कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया गया इंडिया में, इनेक्टेड किया गया। उसका मेन लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ओके, प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री क्लासिफाइड एज नेशनल पार्क सेंचुरीज क्लोज एरियाज। दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड 1991 में अमेंड किया गया, मेकिंग द पनिशमेंट और द मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया पनिशमेंट के लिए, एंड मेड द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। ओके, इस समय जो है 101 नेशनल पार्क है, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत में। ओके, अपेंडिक्स 5 में, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वेरी लार्ज एम्बिट है, अनबाउंडेड पोटेंशियल फॉर द वेल बींग्स ऑफ द ह्यूमन काइंड। ओके, अचीव ओनली व्हेन द एवरी इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट एंड द कंट्रीब्यूट्स फॉर बिट फॉर द पर्पज द इफेक्टिव कंजर्वेशन फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड द फौना मतलब एनिमल्स। कोलाबरेशन विद यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखते हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, नीलगिरी है, सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1986 में। ओके, ये जो है वायनाड में है, नागरहोल पार्ट है, और बांदीपुर, मधुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली, सिरुवानी, ये सब अतना क्षेत्र हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के तीनों राज्यों में ये है नीलगिरी, ध्यान रखना। नंदा देवी के यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। नौकरेक कहाँ है, मेघालय में, और ये ईस्ट वेस्ट एंड द साउथ गारो हिल्स में है मेघालय में। मानस कहाँ है कोकराझार, बोंगई गांव, बारपेटा, नालबारी, कामरूप, दरांग, ये सब असम के डिस्ट्रिक्ट में। सुंदरबन कहाँ है, पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन द वेस्ट बंगाल। ओके, आगे गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है रामेश्वरम आइलैंड एंड द नॉर्थ ऑफ द कन्याकुमारी इन द साउथ ऑफ द तमिलनाडु। ओके, ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड। सिमलीपाल कहाँ, उड़ीसा में है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। डिब्रू सैखोवा कहाँ, डिब्रूगढ़ में है, एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में है, ध्यान रखा। दिहांग दिबांग डबल डी वाला होगा जो, वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अपर सियांग, वेस्ट सियांग एंड द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, नॉर्थ एंड द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। अगस्ता मलाई कहाँ है, अगस्ता मलाई तिरुनेर वैली, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, तिरुवंतपुरम, कोल्लम एंड द पथन मिथा डिस्ट्रिक्ट इन केरला, यानी कि ये दो राज्यों में है, केरला एंड तमिलनाडु। जबकि नीलगिरी कितने स्टेट में है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अचानक अमरकंटक कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, अनूपपुर एंड द ढिंढोरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एंड द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। कच्छ कहाँ है? ये कच्छ जो है राजकोट, पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुंदरनगर, पाटन, ये सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? गुजरात के। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? पिन वैली। पिन वैली कहाँ है? पिन वैली और हिमाचल प्रदेश। पिन वैली एंड पार्क आर द सराउंडेड एंड द चंद्रताल, सरचू, किब्बर, ये सब हिमाचल प्रदेश। भाई यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है। शेषाचलम कहाँ है? शेषाचलम यस्टर्न यस्टर्न घाट सेन कम सिंह पार्ट ऑफ द चित्तूर एंड कटप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, ये एपी में, आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। पन्ना कहाँ है? हम सभी जानते हैं एमपी में। तो पार्ट ऑफ पन्ना ऑन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस समय जो है इस वैसे तो 18 बायोस्फीयर है, लेकिन उसमें से 12 जो है वो यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ BRI मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो कौन कौन है उसको अब देख लेते हैं। उसमें जो है नीलगिरी है, यस, दूसरा नंदा देवी है, नोकरेक है, सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, ठीक है, उसके बाद पंचमढ़ी है, और उसके बाद कंचनजंगा है, अगस्ता मलाई है, अचानक अमरकंटक है, ठीक है, और एक है पन्ना भी हाल फिलहाल में ये उसमें ये शामिल हुआ है। ये देख लो सब मैप में, ये कोल्ड है, कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम, दिबांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा असम, मानस असम, नोकरेक मेघालय, ओके, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक अमरकंटक अरुणाचल सॉरी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी में। पन्ना कहाँ है? एमपी में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अंडमान निकोबार कहाँ है? ग्रेट निकोबार, ये देखो ग्रेट निकोबार। एंड नीलगिरी कहाँ है? तीन राज्यों में। अगस्ता मलाई कहाँ है? दो राज्यों में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, तो इस तरह से आगे देखते हैं। फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए विल्ड लाइफ को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया सस्टेनेबल मैनर में। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंप्लीमेंट किया गया 1973 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ द स्कीम टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ द वायबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया फॉर द साइंटिफिक एथेंटिक कल्चरल इकोलॉजिकल एंड टू प्रिजर्व द एरियाज ऑफ द बायोलॉजिकल एंड इम्पोर्टेंस एज ए नेचुरल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट एजुकेशन एम्प्लॉय एंजॉयमेंट एंड द पीपल ऑफ द पीपल। ओके, तो इस सब के लिए टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया, और जो है इस समय 2020 में जो है 2967 यानी 2967 प्रतिशत था, जो कि 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन केवल इंडिया में रहती है। 2022 का रिपोर्ट निकला अभी, वहाँ इस समय जो है 2022 में 3167 हो गए हैं टाइगर। ओके, पहले स्थान पर एमपी, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे उत्तराखंड है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया, सबसे ज्यादा एलिफेंट कर्नाटक में, दूसरा असम में, तीसरा केरला में है, ठीक है। इसके साथ ही क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल, ये सब भी लॉन्च किया गया। ओके, कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयन मस्क डियर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत ही सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, डेवलपमेंट भी किया जाता है, एसोसिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट विद द डेवलपमेंट, और लॉजिस्टिक, इसमें इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द रिसर्च भी किया जाता है, मॉनिटरिंग भी। ओके, इंटरनेशनल स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन इकोसिस्टम ऑफ द टेरिटोरियल कोस्टल एरिया विच आर द इम्प्लीमेंटेड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनेस्को, वही मैप वाला मैप प्रोग्राम के तहत। ओके, जिसमें भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 जो है मैप के लिए चुना गया, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 12, याद रखना। कुछ क्वेश्चन है, आओ देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं।
सैंडलवुड ट्रीज अभी हम लोग पढ़े थे कहाँ पाया जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये इसका काम है टू प्रोटेक्ट द टाइगर फ्रॉम द इलीगल हंटिंग। ओके, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड यूनेस्को के मॉब में कितने, ये ओल्ड डाटा है ये गलत है, लेकिन 12 है इस समय 18 में। ओके, एंड प्रपोर्शंस ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री, टारगेट क्या टारगेट रखा है फॉरेस्ट कवर के लिए पॉलिसी में, 33% रखा है। ओके, तो इस प्रकार चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, ठीक है, और अपना फीडबैक जो कुछ कमी हो इसमें मेरे उसको आप जरूर बताएं। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।